हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशान एंड मॉमी में। आज मैं एक प्रोडक्ट का रोल वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि इस टाइप से मुझे रिसीव हुआ है। और मतलब इसके ऊपर और पैकिंग थी वो मैंने हटा दी। एंड इस तरीके से जैसे ये जो मार्केट में आपने देखे होंगे पैकिंग, इस तरीके की इसमें आया है पैकिंग में। एंड तो मैंने आज बुलवाई हूँ सिलिकॉन के निप्पल कवर्स। आपने ज़रूर इनको देखा होगा, लेकिन बुलवाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि ये सिंगल टाइम यूज़ वाले हैं या फिर कितनी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अफोर्डेबल है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बुलवाया है अमेज़ॉन से। ये मुझे 8 पीसेस रिसीव हुए हैं इस तरीके के, और एक पीस को हम अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन 24 से 25 बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके का आया हुआ है। ये इस तरीके से है, इस पर ये पॉलीथिन लगी हुई है, इसको निकाल कर हमको लगाना होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस तरीके की जो हम ड्रेसेस पहनते हैं जिसमें यहाँ पर सिंगल लाइन होती है या फिर सिंगल डोरी होती है, इसके अलावा ये नहीं होती है, तो हमें इस टाइप की ब्रा पहनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रा नहीं पहनते हैं तो थोड़ा सा निप्पल शो होते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये जो पॉलीथिन है इसकी, इसको रिमूव करना है। मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाऊंगी इसको। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपका ब्रेस्ट साइज़ ज़्यादा है या फिर आप जैसे आप एक्सेल साइज़ वगैरह आपका साइज़ है, तो आप इसको मत बुलवाइएगा, क्योंकि ये ना मेरे हिसाब से एम या एल तक वालों के लिए ही ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने इसको लगाया था तो मेरा पूरा यहाँ तक आया था, और अगर आप जैसे मदर हैं तो फिर कई बार ज़्यादा होता है। सो इसको आप निकाल सकते हैं ईजीली। आप इसको फिर से इसमें लगा के रख दीजिए इस पॉलीथिन में, और जितनी बार आप चाहें इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अलग ही समझ में आ रहा है और बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैंने इसको लगा कर देखा था एंड बिल्कुल भी मुझे ऐसा कोई खिंचाव नहीं महसूस हुआ, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेस इसको बिना लगाए क्या इमेज आ रहा है एंड लगाने के बाद क्या इमेज आ रहा है। तो मैंने अभी उसको लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं अंदर समझ में आएगा आपको जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लीन, एकदम ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि हम कई बार ऐसी ब्रा पहन लेते हैं जिसमें कि लाइनिंग दिखती है कुछ भी। तो इसमें तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। आप इस टाइप की ड्रेसेस में, मैं साइड में फोटोज़ अटैच कर रही हूँ कि आप किस टाइप की ड्रेसेस में इनको बहुत ही कम्फर्टेबली पहन सकते हैं। जैसे मैंने ये टी टॉप पहना हुआ है, तो कई बार हम ये जब टी टॉप पहनते हैं समर में तो फिर इसमें अंदर ब्रा नहीं पहन सकते। अगर ब्रा पहनेंगे तो उनकी इस तरीके से जो होती है वो लाइनिंग दिखती है। सो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। मैंने भी लगाया हुआ है एंड बिल्कुल भी मतलब रियलिटी में भी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बस ये है कि जो ब्रा के साथ ही कंफर्टेबल फील होता है, हमें बिल्कुल एकदम टाइटनेस से फील होती है, वो फील नहीं हो रही है। लेकिन ये कम से कम जो जैसे हम शिवर करते हैं, कई बार हमें ठंड लगती है एंड निप्पल थोड़ा सा ऊपर उभर के दिखते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। एंड काफ़ी अच्छा है, आप इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी 2 लगाए हैं, 6 ये हैं, तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, कोई भी इशू नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसे 400 रुपये का है, अभी जो मैंने बुलवाया है इसमें 400 रुपये का आया है ये, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला है ये। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका लुकआउट आया है। बाकी मैं आपको और भी ड्रेसेस बता देती हूँ किस टाइप के आप ड्रेसेस में इनको ज़रूर पहने तो ये बढ़िया रहेगा। आप जिनमें ये ड्रेसेस ब्रा नहीं पहन सकते उनमें आप इस टाइप की जो है सिलिकॉन निप्पल्स कवर पहन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए, होल वीडियो के लिए, पेरेंटिंग की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।